में यहाँ पहुँच करके हौसला अफजाई की। लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर जो आशीर्वाद आपने दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं जब चुनाव का नॉमिनेशन भरने गया था सोनीपत में, तो मुझे पत्रकार मिल गए, वो कहने लगे भाई दिग्विजय यहाँ कोई तो सोनीपत का सोनीपत में चुनाव लड़ रहा है, कोई रोहतक से आकर के लड़ रहा है, और दिग्विजय भाई तेरे पे तो मोहर जीत की है। तो मैंने उन्हें कहा इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता, इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती कि इतने कम समय में जिसको हम अपना परिवार मानते हैं उसने मुझे अपना भी लिया, आपने तो अपना लिया, बाहर इस बात की चर्चा हो कि मैं जीतता हूं उससे ज्यादा अच्छी बात नहीं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये चुनाव कोई जाति पाति का, धर्म मजहब का, कोई कौम का, कोई बिरादरी का चुनाव नहीं, एक मजबूत प्रतिनिधि आपने चुन करके लोकसभा में भेजना है, और ऐसा आपकी भेजना है जो आपकी आवाज को, आपके मुद्दों को मजबूती से उठा सके, आपके सुखों का हिमायत कर सके, आपके साथ रह सके। ये चुनाव जीत जो विकास के रास्ते में पिछड़ गया, जीत होना तो अग्रणी चाहिए था कि राजनीतिक फैसले लेने में जीत सबसे आगे रहता है, और रह गया सबसे पीछे। उस पटड़ी से उतरे हुए जीत के इंजन को दोबारा ट्रैक पे चढ़ाकर दौड़ाना है, ये सोच लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। तीन पार्टियां प्रमुख है, कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी, आम आदमी पार्टी गठबंधन। बीजेपी वाले तो 5 साल पहले टोकरी में डालकर सबने बेचा करते हैं, 15 लाख ले लो, 2.5 करोड़ नौकरी ले लो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवा लो, 1 रैंक 1 पेंशन ले लो, कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का सपना देते थे, अच्छे दिन आएंगे, करप्शन खत्म होगा। मगर एक भी बात इन 5 सालों में बीजेपी के लोग बता नहीं सकते थे, हाँ ये बात हमने पूरी कर दी। अब क्योंकि बताने को कुछ नहीं है तो आजकल नया शगुफा लेके बैठे हैं 370 का। मैं आपके माध्यम से आज बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया वाले भी खड़े हैं भाई, भाई ये बताओ इसमें इतना रोड़ा क्यों मचा रखा है? ये 5 साल तुम सरकार में रही, 370 हटानी थी तो ये हटाई क्यों नहीं? एमपी आपके पास पूरे थे, 280 से ज्यादा एमपी थे, और बल्कि एनडीए के मिलाए 336 एमपी थे, 2/3 मेजोरिटी थी, 2/3, और राज्यसभा में आपका बहुमत था, राष्ट्रपति जिन्हें अंतिम फैसला करना है वो भी आपके थे, रामनाथ कोविंद जी, और पुलवामा का जब हमला हुआ तो इस देश में आक्रोश की भी कोई कमी नहीं थी, गुस्सा भी लोगों में बहुत था, कोई आपका विरोध कर लिया नहीं था, पार्लियामेंट का सेशन बुलाते और 370 को के विधायक को इसको नामंजूर करके बर्खास्त कर देते। भूषण जी ने यह बात कही थी पार्लियामेंट में, उत्तर प्रधानमंत्री जी आप यूं तो कहोगे इसको हटाएंगे, अब सीख मौका पड़ा है, लोगों में गुस्सा है, कांग्रेस भी विरोध नहीं कर पाएगी, आप इसको हटा दो। मगर बीजेपी की नीयत हटान की नहीं है, दो चीज, एक राम का मंदिर और 370 की धारा, ना तो ये राम का मंदिर बनाएंगे और ना ये 370 की धारा हटाएंगे, क्योंकि ये दो काम पूरे हो गए फिर अगले चुनाव में क्या कह के आएंगे, मुद्दा कोई नहीं। तो इसलिए ये भगवान राम ने भी बात खड़े कर लिए कि मैं ऐसी पार्टी के नहीं फंसूंगा, 4 साल वनवास में रखे, आखिरी साल में याद करें, मेरा मंदिर बनाने के नाम पर लोगों से वोट ले। भगवान राम ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जब भगवान ने साथ छोड़ दिया तो हमें भी फैसला करना चाहिए कि कमल का फूल और ऐसी भूल हम दोबारा ना करें, आज ये संकल्प करें। 5 साल अजीब बड़े वोट मांगना था, खुदे गए क्यों पता सरगोधा लड़ा उपचुनाव इसका विधानसभा ये पता करने उन्होंने मेरा दोबारा एक वोट मांगना फैसला आपने करना है, मगर बीजेपी को दिया हुआ वोट हमारा जाएगा,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं हमारे, आदरणीय पिता तुल्य हैं। वो एक बात कह के आए रोहतक में कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे काम किए हैं और मैंने नहीं किया किसी का भी काम, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ खो दिया। इसका मतलब ये स्पष्ट है जो बात हम कह करते हैं, आप सब कह करते हैं, हुड्डा ने जींद के काम नहीं किए, आज ये बात पे मोहर लगी। तो जिस मुख्यमंत्री को 10 साल प्रदेश में रखा उसमें एक भी दिन हमारी चिंता नहीं जींद पर। छोटा सा एग्जांपल है, आप रोहतक से चलो, आप विकास दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगी, सड़कें दिखेंगी, रोजगार मिलेगा। आप जैसे ही लाखन माजरा पार करोगे तो जब जींद लिखा आएगा तो जींद नहीं लगेगा, अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई है। तो ये इसका बड़ा कारण कौन रहे? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा रहे। हमारे यहाँ का तो कोई व्यक्ति मिल भी जाता, कर्मचारी पुलिस में टीचर लग गया हुआ, तो सीधा उसको मेवात डालने का काम करते थे, उसे पंचकुला भेजने का काम करते थे, ये तो बहुत किया। मगर हमारे यहाँ का कोई डेवलपमेंट, कोई नौकरी, कोई विकास, कोई पानी, कोई बिजली की व्यवस्था या कोई बहुत बड़ा काम जींद खातर किया हो मेरे तो याद नहीं 10 साल में हुड्डा साहब की सरकार नहीं। रही बात, चलो वोट मांगना तो मांगना तो सबका अधिकार है, वो भी मांग सकते हैं, मगर किस मुंह से मांगेंगे ये वो बता सकते हैं। यहाँ जींद के अंदर आए, कोर्ट के अंदर एक वकील ने खड़े होकर पूछा, हुड्डा साहब आपने हमारे काम नहीं किए। हुड्डा साहब ने हाँ भर ली, हाँ मैं नहीं कर पाया, 10 साल में जो नहीं कर सका वो 5 साल में आगे कैसे करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है, बाकी फैसला आपने। रही बात, उन्होंने एक बयान दिया कि दिग्विजय तो मेरी कड़ी बिगाड़न आ गया, मैं आपकी कड़ी क्यों बिगाड़ूंगा, प्रजातंत्र है, सब अपनी कड़ी बढ़ाओ, जनता की मोहर जिस पे लगेगी वो कड़ी लोगों को पसंद आएगी, कड़ी बिगाड़ो आपके सोचे वाला, आपकी कड़ी बिगाड़ो अशोक, तो हम आपकी कड़ी क्यों बिगाड़ेंगे, हम कड़ी बिगाड़ते हैं, हम तो कड़ी से कड़ी जोड़कर सोनीपत की जींद की आवाज को देश की पंचायत तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बात और कही जिससे मुझे पीड़ा हुई, हुड्डा साहब ने कहा ये बदला लेने आया है, ये भाई मेरे से रस्ते में ये पूछ रहा था, भैया हुड्डा साहब ने ये बात कही है बदला लेने की, मुझे हुड्डा साहब से क्या बदला लेना है, मैं तो उनके बच्चे उनके पोतों की समान की उम्र का हूं, मेरी राजनीतिक हैसियत तो आपने कायम की है, नहीं तो मुझे कौन जाना था, मगर मैं उनसे बदला नहीं, मेरी बदले की नियत नहीं, राजनीति में बदला होना भी नहीं चाहिए, कोई बदले की चीज नहीं होती राजनीति, राजनीति में बदलाव लाए जाते हैं, बदले नहीं। जब चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब इन तीनों पर, हुड्डा साहब पर, धर्मपत्नी पर इनकी और इनके बेटे पर दहेज के केस चले, पंचकुला के अपने बेरा, तो भजनलाल जी विधानसभा में खड़े होकर कहने लगे चौटाला साहब को, भाई सांप भी मर जाएगा लाठी कौन टूटे, मेरा भी काम ठीक हो जाएगा, आप इनका इनको हथकड़ी लगाकर जो है ना वो कर दे अंदर कर दे। फोन रिकॉर्ड बात है, चौटाला साहब ने कहा भजनलाल जी मैं आपकी नियत का आदमी नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, अगर ये अंदर जाएंगे तो हरियाणा की राजनीति पर लोग सवाल उठाएंगे, ये राजनीति व्यक्ति है और स्वतंत्र सेनानी परिवार से, मैं इनका फैसला कराऊंगा। चौटाला साहब ने इन दोनों परिवारों को बिठा कर इनका फैसला करवाया, नहीं तो शायद चाहे 2 ही दिन जाते हुड्डा साहब के परिवार को जेल देंगे, जो कि बहुत गलत बात थी। जब इनका राज आया और जब इनको ये लगा भाई तुम्हारा राज जाएगा और चौटाला साहब की सरकार बनेगी, तो हुड्डा साहब ने फिर क्या सिला दिया, 80 साल के व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को, सम्माननीय व्यक्ति को, जिसने प्रदेश के लिए सारा जीवन कुर्बान कर दिया, आधे शरीर से अपाहिज हो, 10 साल की कैद करवाई, नहीं करवाई हो तो बता दो भाई भी हो जाएगा, और मेरे पिताजी का अजय सिंह जी का तो कोई कसूर बता दो आप, कोई दूर दूर तक लेना एक देना दो
उनका तो कहीं केस में नाम नहीं, कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई मीटिंग नहीं। अजय सिंह जी को तो यूं फंसाया एक अधिकारी से, भाई साहब पहले खिलवा दिया और फिर कोर्ट में गवाही करा के भाई साहब अजय सिंह था, और वो जोड़ तोड़ के वो भी अजय सिंह जी भी 10 साल तो अजय सिंह जी भी जेल में डाल दिए। ये जेल कैसी होती है ये या तो हमें एहसास है या आप लोगों को जो कार्यकर्ता है पार्टी के उनको इल्म है, या मेरी दादी से जाके पूछो या हुड्डा साहब मेरी माँ से जाके पूछो कि बेकसूर जेल में हो तो फिर क्या हालात होते हैं। ये जेल काटना इतनी सौखी चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं भाई बेकसूर को तो जेल हो ही ना, जेल तो हमारे दुश्मन को भी ना हो। हुड्डा साहब परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको भी जेल ना हो, जेल नहीं होनी चाहिए, बहुत कठिन काम है, सोखा रोग नहीं। इसलिए ये बदले की बात ना करो, हम आपसे कोई बदला नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ो, लोग तय करेंगे भविष्य किसका है। एक बात और कह रहे हैं, जाटों के गांव में जाके जहां जाट बहुल्य है, और जाट बहुल्य गांव में जाके नीचे नीचे ये शगुफा छोड़ दिया कांग्रेसियों ने कि कौन का सवाल है, इकट्ठे हो जाओ, क्यों भाई हमको पाकिस्तान से आ रहे, तुम तो कल मुख्यमंत्री बने 2004 में, चौधरी देवीलाल जी ने इस देश की जंगी आजादी की लड़ाई लड़ी, 14 साल की उम्र में इस देश के लिए झंडा हाथ में उठा लिया था, ये हरियाणा बनाया, किसान कबीले के चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी जात के आदमी के घर में चले जाओ पार्टी अलग हो सकती है, मगर चौधरी देवीलाल जी के लिए सम्मान कम नहीं। उसको उस परिवार का हम खून है और हमारे लिए कौम के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कांग्रेस, इस बात की पीड़ा। आप राजनीति करना चाहते हो, जात पात की बात ना करो, आप मुद्दों की बात करो, उसका हम जवाब देंगे। और कौम इतनी प्यारी थी इनको, कांग्रेसियों को, हुड्डा साहब को, तो फिर ये बताओ कि जब वो आदमी 80 साल का जेल में डाला तब आपको जरा भी कदर नहीं हुई कौम की, सहमत हो कि नहीं आप? अजय सिंह जेल में डाले तब वो कौम कहां गई भाई कांग्रेसियों की? अब तब वो कौम कहां गई तुम्हारी जब वो 36 शहीद किए बीजेपी ने छाती पे गोली मारी? तब तो हुड्डा साहब क्या कहते थे, मेरे को जाति से मत जोड़ो, क्योंकि तब मेरा था, कौम का नाम ले दिया तो राजनीति खराब हो जाएगी, सहमत हो कि नहीं? तब वो कौम कहां गई थी हुड्डा साहब जब मैं और सुरजेवाड़ा चुनाव लड़ रहे थे, मेरी तो नादिल बात है, मैं तो तुम्हारा विरोधी था, सुरजेवाड़ा की पर्ची डलवा लेते, तब हुड्डा की मदद करी, उसकी खट्टर की मदद करी, नीचे नीचे भी हुड्डा वाले सारे खट्टर की मदद में थे, नहीं थे तो बताओ, तब कौम याद नहीं आई। आज ये चाहते हैं कि बेटा तो जीत जाए रोहतक से और हुड्डा साहब जीत जाए सोनीपत से, बाकी ये सारी कौम तो हार जाए और सारी कांग्रेस हार जाए। कांग्रेस का ऊपर वैसे ही कुछ नहीं बटना, 70-80 सीट पे कांग्रेस रहेगी, और हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई जाके सोनिया के आगे ताल ठोकने में हमारे से बड़ा चौधरी जी हरियाणा का, यही बात है कि नहीं? इनने नहीं लेना आपसे कुछ भी, इनको कोई मतलब नहीं, ना कौन से मतलब है, ना जात से मतलब है, ना इनको 36 बिरादरी से मतलब है, ना जीत से मतलब है, ये तो अपना दाव फिट बैठ करने आए हैं, इनकी बातों में आएंगे, कल आएंगे आपके बीच में, कल हो रहे हैं, इनसे एक सवाल परसों है, एक सवाल पूछिए हुड्डा साहब से, उसका जवाब दे दे तो हुड्डा साहब के बोलते हैं भाई तू 6 महीने खतरा आया है या 5 साल खतरा आया है? अगर 5 साल की हामी भरे 5 साल इस्तीफा नहीं दूंगा, तुम्हारा विधायक बनूंगा, इसका सांसद बनूंगा और आवाज उठाऊंगा, तो मेरे से सीनियर है, मैं ये कहता हूं दिग्विजय आपके कहने पे मैं अपना नामांकन भी वापस ले लूंगा, हुड्डा साहब ने दे दी 5 साल खातर हाँ भरे, और अगर 6 महीने खातर बोले तो फिर मैं आपका हकदार होया कि नहीं, बताओ भाई जवानों। इसलिए नहीं कि मेरा लालच है, इसलिए 6 महीने बाद हुड्डा साहब को अपना चले जाएंगे क्यों, और ऊपर इनकी हवा होनी नहीं, जिसकी हवा होगी कोई रमेश कौशिक जी साहब फिर सिर पे आकर बैठेगा, फिर क्या करोगे भाई जवानों, किसके जाएंगे, ये तो हमारे सुनते नहीं, और फिर वो ऐसा आदमी दोबारा आ गया तो फिर हमारी वैसी किसी ने कुछ चर्चा ही नहीं करना, फिर मैं ठीक नहीं आपके बीच में, हार के भी आया था और मैं हार नहीं मानता, मैं तो ये मानू हूं
सारे देश में एक एक एमएलए बन जाता तो क्या होता? सबसे ज्यादा आप पे आवाज़ उठ रही है ये बताओ। मैं ये कहूँ भी एक एमएलए बन जाता तो क्या होता? मगर आपने इतना कुछ बना दिया कि आपने सारे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के तो टेलीफोन मेरे दौड़ा दिए। बधाई हो, हार के भी आप जीते, ये आपकी देन है। जैसे भी हैं हम आपके बीच में, हम दोनों भाई संघर्ष इस जींद की धरती पर चौधर रानी के लिए करते हैं, इस जींद की धरती को चौधर देने के लिए। कोई संकोच नहीं, आज इस भाई के कैमरे से भी सुन रहे होंगे हरियाणा के लोग, हम इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जिस दिन हरियाणा में जेजेपी का राज बनेगा और दुष्यंत शपथ लेगा, उस दिन ये ऐलान कानूनी तौर पर हो जाएगा कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ नहीं है बल्कि हरियाणा की राजधानी जींद है। जींद आपकी राजधानी हो, मैं आपका वकील और दुष्यंत आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक, हाथ पकड़ के काम करवाइयो। क्यों 50-60 किलोमीटर उस तरफ जाओ जब घर में ही सारा कुछ हो? सहमत हो कि नहीं? हमने इंस्पेक्टर से क्या लेना जब सीडीआरआई एसपी से हो? इसलिए चक्कर को हमने छोड़ना है। ये आए कांग्रेसी, ठीक है, सबका सम्मान चाहिए, इसका विरोध है, मगर ये मौका जो है ये चूकण का नहीं है। आज चौकरदे चर्चा है, दुष्यंत चौटाला लायक नेता है और लायक नेता को 36 बिरादरी और सारा हरियाणा पसंद कर रहा है। और दुष्यंत को आपका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो हम ये ठिकाना सारा चंडीगढ़ उठा के आपकी जींद में ला देंगे, फिर जींद की चर्चा होगी सारे हिंदुस्तान। और रही बात आपके कामों की, मैं जानूंगा मेरा काम आपके यहाँ पे कोई कमी नहीं आने देंगे, ये चाहे बिजली की, पानी की, रोजगार की बात हो और चाहे कोई और बात होगी, वो सारी हमने पहले कर भी रखी है, आपके बीच में 2-3 बार आकर के और फिर आना, इसलिए समय कम है, कई गांव हैं। आप मुझे इजाजत दें, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। 10 तारीख को चुनाव के आखिरी दिन 3 बजे सभा है हुड्डा ग्राउंड जींद, और पार्टी के बड़े नेता दोनों ही सारे आएंगे। आपसे गुजारिश करता हूं कि भारी संख्या में, तब तक काम तुमसे भी पारी खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग, जिस दिन ज्यादा भीड़ वहां पे होगी और लोग ये देखेंगे भाई सारे जींद में रुका है, 1.5-1.75 लाख की जो है ना, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की भीड़ जींद जींद की अकेली है, फिर आपका ये रेल का इंजन रोकनिया नहीं करिए जो है ना सीधा पार्लियामेंट। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। चिंता आप खड़े हमने की चिंता।